इसकी शुरुआत ठीक यहीं आनंद में 1946 में हुई। स्थानीय निजी डेयरियों द्वारा दूध की कम कीमतों से नाराज खेड़ा जिले के डेयरी किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से सलाह मांगी। सरदार ने उन्हें एकजुट होकर सहकारी समिति बनाने की सलाह दी। इसके बाद ही उनका अपने संसाधनों पर नियंत्रण होगा। दो गांव सहकारी समिति बनाने के लिए त्रिभुवन दास पटेल की अगुवाई में साथ आए। बॉम्बे सरकार ने संघ को पंजीकृत करने से मना कर दिया। किसानों ने अकल्पनीय कदम उठाया, वे हड़ताल पर चले गए। पंद्रह दिन के दूध के अकाल के बाद बॉम्बे सरकार झुक गई। सहयोग ने अपना लोहा मनवा लिया था। इस तरह भारत की पहली दुग्ध सहकारी संस्था खेड़ा संघ का जन्म हुआ। 1964 तक यह छोटा सा सहकारी दूध संघ आंदोलन बन गया था। उसी वर्ष प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों की संस्था की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने के लिए आनंद के एक गांव में एक रात बिताने का निश्चय किया। ग्रामीण भारत के विकास में सहकारी समितियों की क्षमता को देखते हुए उन्होंने आनंद की भावना को सारे देश में फैलाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को NDDB के इस मिशन की कमान संभालने को कहा गया। इसी प्रकार से NDDB उस यात्रा का नेतृत्व करने के लिए अस्तित्व में आई जो डेयरी उद्योग के जरिए ग्रामीण भारत का परिदृश्य बदलने वाली थी। लेकिन आनंद की भावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आवश्यकता थी धनराशि की, कुशल मानव संसाधन की, धैर्य और लचीलेपन की, और इन सब से ऊपर आवश्यकता थी दूरदृष्टि की। और इसका आधार था 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड, विकास कार्यक्रम हेतु विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सहायता। सरल योजना, डेयरी वस्तुओं को उपहार के रूप में स्वीकार कर स्थानीय डेयरियों को बेचना और उससे प्राप्त धनराशि का निवेश सहकारी समितियों हेतु दूध प्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना। 1996 में ऑपरेशन फ्लड की समाप्ति तक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड ने 300 से अधिक कस्बों, शहरों और महानगरों को 72,000 ग्रामीण सहकारी समितियों से जोड़ा। बाजारों से जुड़कर दूध लाखों करोड़ों छोटे दूध उत्पादकों के लिए आजीविका का स्रोत बन गया। अधिशेष दूध में मूल्य जोड़ने और बाजारों को विस्तृत करने के लिए NDDB ने नए उत्पादों और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का सिलसिला विकसित किया। NDDB की प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने पशु स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन के लिए किफायती समाधान विकसित किए। बढ़ती हुई सहकारी समितियों में मानव शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। 2 दशक से थोड़े अधिक समय में भारत दूध की कमी वाले राष्ट्र से बदलकर विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन गया। 1996 तक भारतीय अर्थव्यवस्था उदार हो चुकी थी। निजी कंपनियां भी अब डेयरी क्षेत्र में पैठ बना रही थी। एक नई चुनौती उभर रही थी, प्रत्युत्तर में थी NDDB की भविष्य का सामना करने के लिए 10 वर्षीय रणनीति से लैस भावी योजना। रणनीति के 4 भाग थे, व्यापार को मजबूत बनाना, पशु उत्पादकता में वृद्धि लाना, सभी स्तरों पर गुणवत्ता बढ़ाना और बेहतर योजना बनाने एवं निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क की स्थापना। 2010 तक
दूध उत्पादन में वैश्विक वृद्धि दर 2% के मुकाबले भारत की औसत वृद्धि दर 4% थी। लेकिन दूध की मांग तेजी से बढ़ती जा रही थी। लगातार बढ़ती इस मांग को पूरा करने के लिए एनडीडीबी ने भारत सरकार की सहायता से 2012 में राष्ट्रीय डेयरी योजना मिशन मिल्क की कल्पना की। 15 वर्षीय सीमा के साथ वैज्ञानिक रूप से नियोजित ये बहुराज्य पहल मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय विकास संघ के द्वारा वित्त पोषित थी। अपने पहले चरण में एनडीपी ने वैज्ञानिक प्रजनन और पोषण के जरिए उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकियों को किसान के दरवाजे पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया और इसका परिणाम उत्कृष्ट रहा है। 2017 तक दूध उत्पादन बढ़कर 16.3 करोड़ टन तक जा पहुंचा और 177 गांवों में 16 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को सहकारी समितियों से लाभ हुआ है। मौजूदा सहकारी समितियों को मजबूत करने के अलावा 5 प्रोड्यूसर कंपनियों को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया गया। उत्तर पश्चिम बिहार में जहां डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन की जरूरत थी, वहां उपयुक्त हस्तक्षेप किए गए। बापू धाम दुग्ध उत्पादक कंपनी का गठन किया गया और दुग्ध उत्पादकों को बाजार की सीधी पहुंच उपलब्ध कराने के लिए चंपारण से दूध प्राप्त किया जा रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा के सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में डेयरी उद्योग को टिकाऊ आजीविका का स्रोत बनाने और गरीबी कम करने के प्रयास के तहत एनडीडीबी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर डेयरी विकास गतिविधियों की शुरुआत की है। एनडीडीबी के प्रबंधन के तहत वामूल पश्चिम आसाम दूध संघ लिमिटेड की सफलता को दोहराने के लिए आसाम सरकार ने यामूल पूर्वी आसाम दूध संघ लिमिटेड और कामूल कछार और करीमगंज दूध संघ लिमिटेड के प्रबंधन के लिए भी डेयरी बोर्ड के साथ समझौता किया। झारखंड सरकार के अनुरोध पर एनडीडीबी ने झारखंड दूध संघ बनाने में सहायता की है और एक पूरी तरह से स्वचालित डेयरी संयंत्र स्थापित किया है। एनडीडीबी ने राज्य में डेयरी सहकारी आंदोलन को नवजीवन प्रदान करने में सहायता की। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के व्यापक स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एनडीडीबी ने उन डेयरियों को दिए जाने के लिए गुणवत्ता मार्क लोगो पंजीकृत करवाया है जो दिशा निर्देश के निर्धारित मानकों का पालन करती हैं। डेयरी उद्योग में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना एनडीडीबी द्वारा शुरू की गई एक अन्य योजना है। इसके अलावा एनडीडीबी ने डेयरी किसानों के बीच वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ भागीदारी की है। विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आरंभिक तौर पर एनडीडीबी में शुरू की गई संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां आज की तारीख में अपने बलबूते महत्वपूर्ण कंपनियों के रूप में विकसित हो गई हैं। सफल फल एवं सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए बाजार से संपर्क प्रदान करने के अलावा कृषि संबंधी हस्तक्षेपों के जरिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर रहा है। इसका दिल्ली में फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण करने का अत्याधुनिक संयंत्र है और इसने हाल ही में रांची में दूसरे संयंत्र की स्थापना की है। दिल्ली के अलावा तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से ओडिशा में सफल केंद्रों की स्थापना की गई है। इन सभी विभिन्न गतिविधियों और प्रयासों के माध्यम से एनडीडीबी का उद्देश्य और दूरदृष्टि रही है भारत के छोटे और सीमांत किसानों की निरंतर सेवा करना और 2022 तक उनकी आय को दोगुना करना।